दोस्तों आज की डेट में सभी काम ऑनलाइन होने लगे हैं, चाहे उसमें हम बात कर लें ऑनलाइन शॉपिंग की या फिर हम बात कर लें ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन की। तो ये सभी काम ऑनलाइन होने लगे हैं और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से टिकट भी ऑनलाइन हो रही हैं। आप किसी स्टेशन में जाकर के टिकट नहीं करवा सकते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा IRCTC की वेबसाइट में और वहां पर जाने के बाद अगर आपका अकाउंट होगा तभी आप वहां से ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हो। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमारा वहां पे अकाउंट नहीं होता है। अगर हम अकाउंट बनाने की कोशिश करवाते हैं तो वहां पर हमारा नाम गलत हो जाता है, यूज़र आईडी गलत हो जाती है, पासवर्ड गलत हो जाता है और या फिर जब हम ईमेल आईडी दर्ज करते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एकदम पूरे सही तरीके से और आप ही के ढंग से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप IRCTC का अकाउंट बना सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अभिषेक मेयर। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑल में कर दीजिएगा और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद शायद ये आपसे कुछ परमिशन मांगे तो आपको आंख बंद करके परमिशन को अलाउ कर देना है क्योंकि ये हमारे इंडिया का ऐप है, भारतीय ऐप है तो इस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पर आईडी कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर मिल जाता है लॉगिन का ऑप्शन ऊपर, यहाँ पर आप टच करोगे और टच करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी आईडी है पासवर्ड यहाँ से डाल करके आप यहाँ से बना सकते हो, सीधे लॉगिन हो सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑप्शन रजिस्टर यूज़र, तो आपको यहाँ पे टच कर देना है और टच करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर को डालने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे आप नंबर डालते हो आपको पूरा एकदम पता है कि ये जो नंबर है इस नंबर को मैंने कभी इसमें रजिस्टर नहीं किया है, ये नहीं है। फिर भी अगर यहाँ पे ईयरली रजिस्टर्ड बता रहा है तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे कि आप थोड़ा सा वेट कर लोगे और कुछ देर बाद या फिर जैसे आप दोपहर में ट्राई कर रहे हो, सुबह ट्राई कर रहे हो, तो मैं तो कहूँगा आपको कि आप रात के ही ज़्यादा ट्राई करें क्योंकि सर्वर बढ़िया रहता है तो उस समय आपका ये काम करेगा। फिर आपको यहाँ पर एक नंबर डाल देना है, तो चलिए मैं भी यहाँ पर नंबर दर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे करने के बाद आपको ईमेल आईडी कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो मैंने मोबाइल नंबर दर्ज किया है वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करनी है तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ईमेल आईडी भी दर्ज कर दी है और यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर यूज़र नेम का ऑप्शन आ जाता है, तो यूज़र नेम में हमें क्या करना है, हम गलती क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको क्या पहले लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हो कि आपका अक्षर है पहले अक्षर, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक का पहला हम कैपिटल में ए ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में स्मॉल ABCD में हम ले लेंगे उसका थोड़ा एक दो अक्षर ABCD ले लेंगे एक दो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ अंक ले लेने हैं, जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो या फिर कुछ भी जो भी आपको लिखना हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये हो गया यूज़र आईडी और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र आईडी नॉट अवेलेबल बता रहा है, मैंने अभी जो दर्ज की है, तो यहाँ पे कुछ मैं और दर्ज कर देता हूँ, ये देखिए मैंने अब ईमेल आईडी को थोड़ा सा यूज़र आईडी अपनी बदली है और अब जो है तो एकदम सही हो गई यूज़र आईडी। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए हमें बोला जा रहा है तो पासवर्ड भी हमें कुछ इसी प्रकार से रखना है कि जैसे कि आपको सीधा अच्छा उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ कि जो आपने यूज़र आईडी लिखी हुई है ना अपनी, उस यूज़र आईडी में आप एक दो अंक आगे पीछे कर सकते हो तो आपका जो है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हेर फेर कर दिया है और इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा सा एकदम से सही हो चुका है और नीचे भी हमें कन्फर्म पासवर्ड में वही करना है, जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है तो उसे स्मॉल में लिखना है और जो हमने अंक डाले थे वो भी अंक यहाँ पे हमें लिख देने हैं।
इसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नेम आपका क्या है। तो फर्स्ट नेम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, कुछ भी कैसे लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसे लिखने के बाद आपको मिडिल नेम अगर आप लिखते हो तो ठीक है, अगर नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ भी सकते हो। और यहाँ पर आपको नीचे लास्ट नेम लिख देना है। और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट कर ली है। और इसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आप मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, जो भी आप हो यहाँ पे तो आप कर दोगे। उसके बाद में नेशनल का आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहाँ से हो, तो यहाँ पे आप टच करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन इंडिया। और अगर सो ऑल करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो आप सभी इंडिया के होगे तो इंडिया आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में अगर आपसे पासवर्ड आपका भूल जाता है बाई चांस कभी भी, तो आपसे क्या पूछा जाए और क्या आप उसका आंसर दो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये मिल जाता है व्हाट इज़ योर पेट नेम, तो यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना हो पेट नेम का आपसे जो पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अमित कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप क्या हो, गवर्नमेंट में काम करते हो, पब्लिक हो, प्राइवेट प्राइवेट के लिए बना रहे हो, या फिर स्टूडेंट हो, अदर हो, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ स्टूडेंट। फिर यहाँ पे मिल जाता है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनमैरिड। और उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप टच कर देंगे। और टच करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगा जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना एड्रेस डाल देता हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्ट्रीट मतलब आपके कौन सी सड़क से आपके पास आया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NH7। और उसके बाद में एरिया कौन सा आता है, ये क्या एरिया का नाम है, कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद में कंट्री आपकी जो भी हो, तो कंट्री तो मेरी इंडिया है। उसके बाद में पिन कोड यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो पिन कोड भी मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। पिन कोड दर्ज करते ही यहाँ पे नीचे जो कैप्चर है यहाँ पे भर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन सिटी का, उसके नीचे ही वो रहता है पिन कोड के, यहाँ पे सिटी आपकी जो भी हो तो वहाँ से आप कर दोगे। हालांकि पिन कोड डालोगे तो सिटी आ जाएगी। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस आपका जो भी हो तो यहाँ पे दर्ज लिख देना आपको। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो जो भी आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसे करने के बाद ना करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड का ऑप्शन, ये देखो नीचे रजिस्टर्ड पे आपको टच कर देना है। और टच करने के बाद ये आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहता है, पूछना चाहता है कहीं ये रोबोट तो नहीं है आपसे, ऐसी कुछ बटन दब तो नहीं गई हैं, तो ये थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा, हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे रजिस्टर फिर से। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम आती होगी तो आपको ज़रूर देखना चाहिए इसको। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना है कि ट्री कहाँ कहाँ पे हैं, तो हमें एक दो तीन जगह ट्री दिख रहे हैं, तो हमने इसे टच कर दिया है। और वेरीफाई पे हमने क्लिक कर दिया है। और उसके बाद में वेरीफाई पे टच करने के बाद अभी भी नहीं हो रहा, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो फिर से हम एक बार रजिस्टर्ड पे कर देते हैं। और रजिस्टर्ड पे करने के बाद रिकैप्चा वेरीफाई, और फिर से हम एक बार कर देंगे रजिस्टर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और दोस्तों यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ से हो जाना है बैक, हम हो जाएंगे यहाँ से बैक। और बैक होने के बाद यहाँ पे जो आपने यूज़र नेम वहाँ पे डाला था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपने अभी यूज़र आईडी बनाई थी ना, वहाँ पे पासवर्ड जो बनाया था वो ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पर मैं अपना कैप्चा दर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही भरना है। कैपिटल में आर है और ये सब कैपिटल में ही है अभी, तो हमें सब कैपिटल में ही भरना है। और यहाँ पे 7 कर देना है। उसके बाद में लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद प्लीज़ वेट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद
सिक्योर योर कनेक्शन वेरीफाई यूज़र, आपको यहाँ पे थोड़ा सा OTP देना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पे जो आपने नंबर दर्ज किया था उस नंबर पे एक OTP गया होगा और आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे भी OTP गया होगा, तो दोनों आपको OTP यहाँ पे दर्ज करने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें आप दर्ज नहीं करते हो तो आपकी जो है तो आईडी जो आपने बनाई है वो सब फेल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे ध्यान से बने रहिए। मैं भी इसे दर्ज कर देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे OTP दर्ज कर दिया है, जो मैंने यहाँ पे नंबर दर्ज किया था वो नंबर वाला भी मैंने यहाँ पे OTP दर्ज कर दिया है और ईमेल आईडी वाला भी दोनों। फिर यहाँ पे कर देना है वेरीफाई यूज़र, नीचे मिल जाएगा, इस पर आप टच कर दोगे और टच करने के बाद OTP वेरीफिकेशन सक्सेसफुल जो भी आपकी आईडी है वो यहाँ पे दर्शा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी आईडी बना सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है मेरे ऊपर तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, एक बार दर्शा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल कर दिया, उसके बाद मैं कर देता हूँ लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि हमारी आईडी बनी है या फिर नहीं बनी है या फिर मैंने आपको फेक बताया है। तो नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी आईडी जो है तो वो पूरी बन चुकी है, वेरीफाई यूज़र यहाँ पे लिखा है फिर से वेरीफाई करने के लिए। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है कि इंटर पिन कन्फर्म पिन, अगर आप थोड़ा सा पिन अपना कुछ बदलना चाहते हो तो यहाँ पे अपना पिन बना सकते हो। जो भी आप जब अपनी ईमेल आईडी में प्रवेश करो तो वहाँ पे पिन मांगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी पिन बना सकते हो। तो यहाँ पे आप पिन बना सकते हो 4 अंक का, तो आपने ये किया, उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन नीचे, तो यहाँ पे आपको कर देना सबमिट। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी आईडी जो है तो बन चुकी है, आप यहाँ से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप IRCTC का अकाउंट बना सकते हो। तो देखा यारो किस तरीके से आप IRCTC का अकाउंट बना सकते हो और अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो। और दोस्तों आपको ये परेशानी भी अभी आएगी कि आप इसमें ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करोगे, ये भी परेशानी आती है हमारे साथ कि हम इसमें टिकट कैसे बुक करेंगे। अब हमारे अकाउंट तो बन गया है लेकिन हम टिकट कैसे बुक करेंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे समझ सकते हैं, और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत ही सही तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन, आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।